हम बचपन से क्या क्या बुक नहीं पढ़ते आ रहे हैं, हर एक बुक पढ़ते आ रहे हैं। इतिहास के बहुत सारे बुक हमने पढ़ा है ना, इसने वो किया, इसने किया, मुगल ऐसे थे, मुगल वैसे थे, मुगल ने बनाया, मुगल ने वो बनाया। क्या हमें कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए आज हर एक देशवासी का फर्ज बनता है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ जाने, कुछ सीखे। एक सच्चाई झूठ से छुपाई जाती है हमेशा, और हमेशा ऐसा होता है कि जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ा है, जो इस देश के थे, एक ऐसा महान योद्धा जो शायद ही अब कभी हिंदुस्तान में पैदा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। उनकी माता जी का नाम जीजाबाई, बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, इसलिए रामायण हो, भगवत गीता हो, महाभारत हो, हर एक वेद पुराण उनको सिखाए गए। इसलिए उनको अपनी माता जी से बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। लेकिन वो पुत्र किसके थे और उन्हें काम क्या करना था, तो अध्यात्म का ज्ञान लेके वो अपने जीवन यापन नहीं कर सकते थे, और ना ही अध्यात्म का ज्ञान लेके वो अपने लोगों का रक्षा कर सकते थे। इसलिए उनके गुरु दादोजी उनको युद्ध कौशल सिखाए। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इतने निडर थे कि 16 साल की उम्र में ही पुरंदर हो, चाकन हो, इतने सारे फोर्ट खुद जीत लिए। एक 16 साल का लड़का, महाराज जी का जो ये ताकत बढ़ रही थी, इससे आदिल शाह बहुत परेशान हो गया। बहुत बार चेतावनी भी दिया कि भैया ऐसा ना करो। इसलिए उसने एक नपुंसक वाली रणनीति रची। उसने उनके पिताजी शाहजी राजे को किडनैप कर लिया। अब देखिए, पिताजी पिताजी होते हैं, इसलिए अपने पिताजी के लिए कुछ समय के लिए अपने सारे कार काम को छोड़ दिए, कुछ लगभग 7 साल के लिए। लेकिन जैसे ही उसके चंगुल से अपने पिताजी को आजाद करवाए, उसके बाद तो धूम मचा दिए। धूम कुछ ऐसा जो आज तक हम याद रखते हैं। अब जहां देखा जाए, आदिल शाह पहले अफजल खान को भेजता है कि जाओ शिवाजी को खत्म कर दो। अफजल खान आता है और छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलता है कि तुम्हें निहत्थे आना है, मैं भी निहत्थे आ रहा हूँ, आओ गले मिलेंगे। लेकिन और छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले ही मालूम था, और हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा को मालूम था कि इनकी जात कैसी होती, ये धोखा कैसे देते हैं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज उससे मिलने से पहले ही एक कवर पहन लिया था और उसके ऊपर कपड़ा, और जैसे उससे मिलने गए, अफजल खान चाकू निकाल के पीठ से पीछे से मारने की कोशिश की, और छत्रपति शिवाजी महाराज अपने हाथ में पहने थे वाघनखा, पेट में लगा के पूरा अतली बाहर निकाल दिए। यहाँ पर यह सिलसिला थमा नहीं। आदिल शाह इतना गुस्सा हो गया था, क्योंकि इतने सालों से वो राज कर रहा था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई छोटा सा मामूली सा एक सरदार का लड़का उनको टक्कर दे रहा। इसलिए उसने हार नहीं मानी, फिर से भेजा। अब की बार किसको भेजा? सिद्धि जौहर को। सिद्धि जौहर के पास 1.5 लाख सेना थी। वो सिद्धि जौहर आया और जिस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके सेना थी, उसको चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति जिसमें चाणक्य जैसी बुद्धि, महाराणा प्रताप जैसा बल था, उन्होंने एक अपनी शात्र दिमाग लगाया। रात के अंधेरे में वहां से पलायन करने की कोशिश, पलायन हो गए। एक महान योद्धा की बलि हो गई, जिनका नाम था बाजी प्रभु देशपांडे। यहाँ पर भी आदिल शाह की हार हो। अब आदिल शाह तो हार रहा था, उसकी सेना हार रही थी, इसलिए अपने बीवी का हेल्प लिया। उसके बीवी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? हमारे सैया हार चुके हैं। किससे? एक मामूली लड़के से जिनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। हमारे हेल्प करो, हमारे सैया को बचा लो। अब औरंगजेब आ गया इस कहानी में। औरंगजेब ने फिर अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा इतनी बड़ी सेना लेके। शाइस्ता खान यहाँ पे आया और छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ पर रहते थे, लाल महल, वहां पर डेरा डाल दिया। अगर आप सोचो, आपका घर है, कोई दूसरा व्यक्ति जो ना तुम्हारे धर्म का है, ना तुम्हारे भगवान को फॉलो करता है, क्या तुम उसको रहने दोगे घर पे? वो भी दुश्मन। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज रात के अंधेरे में ही हमला बोल दिए, और इसी बीच में वो भागने की कोशिश किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने तलवार से उसकी 3 उंगली काट दिया। तो औरंगजेब भी अब हार गया। औरंगजेब कि ये जो कूटनीति थी, लाल महल में कब्जा किया, इसका बदला लेने के लिए हमारे महाराज जी ने सूरत में जाके, जो एक ऐसा गढ़ था जहां जहां से जो पैसे मिलते थे वो पूरे मुगलिया सल्तनत को जाता था। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुगलिया पूरी सल्तनत सूरत के पैसे पर ही टिकी थी। अब महाराज जी गए, पूरा लूट लिया सूरत को। लेकिन
हमारे महाराज जी बहुत दयालु थे। वहां के किसान हो, वहां का मजदूर हो, उसको नहीं लूटे। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक खूबी थी, हम लड़ेंगे दुश्मन के खिलाफ, लेकिन उनकी बहन बेटियों को, उनके धर्म स्थल को हम नहीं तोड़ेंगे। हमें किसी के धर्म से नफरत नहीं है, हमें नफरत है तो ऐसे व्यक्ति से जो हमारे देश से नफरत करता है। बस यही बात तो थी जिसके लिए पूरा का पूरा मराठा अपनी जान देने को तैयार था। महिला के इज्जत, किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करना है। सूरत में लूटपाट हुई, औरंगजेब को इसके बारे में मालूम पड़ा, वो आग बबूला हो गया। जरा सोचो, इसका ख्वाब था कि पूरे हिंदुस्तान में विराज करूंगा, वो एक मामूली लड़के से हार गया। इसलिए इस बदला को लेने के लिए कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। ये हिंदू राजा और उधर से भी एक हिंदू राजे को भी, इसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह, मिला हुआ था एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने देश का था ही नहीं। और मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर किले को घेर लिया। हालांकि उसकी सेना बहुत ज्यादा थी और हमारे महाराज जी की सेना बहुत कम थी। उनको अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन उनको मालूम था कि अगर मैं लड़ने गया तो मुझे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो ये पूरी मेरी सेना है, जो मेरे लिए जी रही है, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए मजबूरी में उनको संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनको वो किला वापस करना। कुछ सालों के बाद औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाया अपने दरबार में कि आओ, मैं तुम्हारे साथ सुलह करना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज अपना वर्ष बेटे संभाजी महाराज के साथ गए। वहां पर उनको अपमानित किया गया और उनको कैद कर लिया गया। तो मैंने कहा ना, चाणक्य नीति। वहां से भी वो इतनी बड़ी सेना के बीच में सुरक्षित पलायन हो गए, बच के आ गए। हालांकि फिर 6 जून 1674 में रायगढ़ किला में उनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन ये राज्याभिषेक अशुभ में बदल गया, क्योंकि 18 जून 1674 में ही उनकी माता जी का निधन हो। एक तांत्रिक को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, भाई ऐसा क्यों हुआ? वो तांत्रिक बोलता है कि तारों की गणना ठीक नहीं थी, इसलिए 24 सितंबर 1674 को फिर से उनका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार 1674 से लेके 1680 तक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज राज किए। उसके बाद 3 हफ्तों की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक महान राजा, एक ऐसा राजा जिसके दिल में आग थी, जो अपने हिंदुत्व को, जो अपने संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता तो था, लेकिन कभी भी किसी दूसरे धर्म को नष्ट नहीं करना चाहता था। एक ऐसा महान योद्धा जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता था। एक ऐसा योद्धा जो एक राष्ट्र की बात करता था। उसका अंत हो गया, माना अंत तो हुआ है एक देह का, एक शरीर का, लेकिन उनकी आत्मा, उनका, उनके विचार आज भी हमारे अंदर जिंदा है।